अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस बारे में बात करूँगा, आज मैं कुछ विंटर सीज़न के जो बल्ब मैंने कुछ दिन पहले परचेज़ किए थे ऑनलाइन, जैसे कि लिलियम हो गया, डैफोडिल्स हो गया, तो उनको आज मैं शो करने लगा हूँ, उनको आज मैं प्लांट करने लगा हूँ। तो अब तो विंटर्स का आगाज़ हो चुका है, तो अब ये परफेक्ट टाइम है जो बल्ब्स हैं, आप जितनी भी बल्ब्स हैं आपकी विंटर सीज़न की, स्प्रिंग सीज़न की, उनको आप लगा दें। तो ट्यूलिप्स अभी तक मुझे मिले नहीं थे, वो कुछ दिन तक आ जाएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा किस तरीके से ग्रो करने हैं। तो जो बल्ब्स अभी मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ किस तरीके से उनको आपने ग्रो करना है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ जो लास्ट वीडियो भी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, ये बल्ब्स की परचेजिंग के हवाले से, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। तो ये मेरे पास कुछ बल्ब्स हैं, लिलियम की है, उसके अलावा डैफोडिल्स की हैं। तो लिलियम की मैंने काफ़ी चार या पांच वैराइटीज़ मंगवाई थी, तो वो अब मैं देख लेता हूँ, उनको भी लगा देता हूँ, पॉट्स मैंने तैयार कर रखे हैं। और उसके अलावा डैफोडिल की भी हैं, वो भी मैं अभी लगाऊँगा। तो ये कुछ पैकेट्स हैं इनके, तो ये मैं अभी लिलियम को साइड पे कर लेता हूँ और डैफोडिल्स को भी, तो फिर ये मैं लगाता हूँ साथ साथ। अभी जैसे कि विंटर सीज़न हो गया स्टार्ट, तो अब वन बाय वन मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं बल्ब्स को लगाता जाऊँगा। तो ये मैंने बल्ब्स को निकाल लिया है पैकेट्स में से, ये सारी लिलियम की आप देख सकते हैं बल्ब्स, ये ऊपर को चार पाँच बल्ब जो हैं लिलियम की हैं और बाकी कुछ डैफोडिल्स की हैं। और एक ही मसला हो गया मेरे साथ के मेरी एक जो ये लिलियम की बल्ब है इसके ऊपर से टॉप पोर्शन टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो मुझे नहीं लगता ये इस दफ़ा फ्लॉरिंग कर सकता है। तो स्प्राउट तो अब मेरा ज़ाया हो गया, लेकिन फिर भी मैं बल्ब को जो है लगा दूँगा। तो इस सीज़न में नहीं ये फ्लॉरिंग करेगी, लेकिन होपफुली नेक्स्ट सीज़न में ये फ्लॉरिंग ज़रूर करे। तो चलें इसको भी मैं लगा दूँगा साथ में साथ। ये मैंने पॉट्स ले लिए हैं, इसमें मैंने अच्छे से सॉइल मिला रखी है, सैंड भी और मिट्टी भी, और बिल्कुल ये पोरस मैंने इसका पॉटिंग सॉइल बनाई है, क्योंकि बल्ब्स हैं ज़्यादा अगर इसमें मॉइस्चर रिटेन रहेगा तो रॉट होने का भी अंदेशा है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी पोरस और कितनी लाइट वेट जो पॉटिंग सॉइल मैंने तैयार कर रखी है इनकी। पॉट्स में हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सॉइल को पोरस रखें और वेल ड्रेनिंग वाली सॉइल हो, ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा टाइम तक स्टे करता रहे और आपके प्लांट्स में है वो रॉट हो जाएं। तो बल्ब्स तो वैसे भी अभी क्योंकि इनकी प्रॉपर ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई हुई, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा टाइम इनको मॉइस्चर ना मिले। ये मैंने बल्ब रख दी हैं, लिलियम की पाँच बल्ब थी इसलिए मैंने दो एक में लगा रहा हूँ और तीन एक में, और जबकि डैफोडिल्स चारों बल्ब में एक ही पॉट में लगा रहा हूँ। ये मैं इस तरीके से अभी आपको लगा के बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना, बस इसकी अच्छे से कवर हो जाए, जो स्प्राउटेड एरिया है वो थोड़ा सा बेशक सॉइल से बाहर रहे, बाकी बल्ब जो है सॉइल के अंदर प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए। टिप साइड ऊपर रखनी है और सॉइल से अच्छे से कवर कर देना है, क्योंकि अब ये ऑलरेडी स्प्राउटेड बल्ब्स हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डीप इनको नहीं लगाना, इतना लगाना है कि बस ये जो जहाँ से इस टाइम निकल रही है वो पोर्शन वहाँ से सरफेस से ऊपर रहे, बाकी बल्ब सॉइल में कवर रहे। स्टार्टिंग में हमने बल्ब्स को बहुत पानी नहीं देना जब तक हम इसकी ग्रोथ को नहीं देखते प्रॉपरली निकलते हुए, वरना अगर शुरू में हम पानी बहुत ज़्यादा देंगे ग्रोथ से पहले पहले तो फिर बल्ब जो है रॉट होने का अंदेशा है। बस इतना रखना है कि हल्का सा उसमें नमी रहे, मॉइस्चर हल्का सा रिटेन रहे, बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना रहे, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें रिटेन रहे सॉइल मीडियम में। तो ये मैं इस तरीके से सॉइल में लगा रहा हूँ बल्ब को वन बाय वन, तीन बल्ब इस पॉट में लगा रहा हूँ। सॉइल से अच्छी तरह से कवर कर दिया मैंने बल्ब को, इसी तरह दूसरे पॉट्स में भी मैं लगा दूंगा। अब ये मैं ऊपर से कंपोस्ट डाल रहा हूँ,
ताकि वैसे भी इनको एनर्जी की ज़रूरत होगी आगे फ्लावरिंग के टाइम के लिए, तो साथ साथ ग्रोथ भी इनकी अब स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर अच्छे से कंपोस्ट डाल रहा हूँ ताकि सॉइल पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स से रिच रहे। ये कंपोस्ट से कवर कर दूंगा मैं ये सारे जो बल्ब मैंने लगाई हैं, थोड़ी थोड़ी सरफेस ऊपर डाल के इसकी कंपोस्ट की लेयर एक डाल के। या अब आप देख सकते हैं मैंने तीनों पॉट्स में बल्ब्स को लगा दिया है, डैफोडिल्स को भी लगा दिया है और लिलियम्स की भी पांच बल्ब जो थी वो मैंने लगा दी हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ ट्यूलिप्स की बल्ब जब मैं मंगवाऊँगा तो लिलियम की भी दो तीन और मंगवा लूँगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ब्रेक हो गई उसकी स्प्राउटिंग वाली जगह, तो वो तो नहीं फ्लॉरिंग करेगी। बाकी चार बल्ब रह गए हैं वो करेंगी फ्लॉरिंग इंशाल्लाह, लेकिन मैं सोच रहा हूँ लिलियम की ट्यूलिप्स के साथ और भी बल्ब मंगवा लूँगा। तो ये अब मैं ऊपर से थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर मिस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि सॉइल कम्प्लीटली ड्राई थी इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टिंग करनी ज़रूरी है ताकि उसको पुश मिल सके और ये बल्ब जो हैं स्प्राउटिंग की तरफ चल सकें। ओवर वेट बिल्कुल भी नहीं करना इनको, ड्रेनेज अपने अच्छी रखनी है इसकी पॉट्स में, और बस जब तक अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती हल्का हल्का मॉइस्चर रखना है इसमें। जब देखें सॉइल बिल्कुल ड्राई हो गई है उस टाइम पे हल्की सी मिस्टिंग कर देनी है। तो इस तरीके से ये मैं अब रख दूँगा इसको फुल सन वाली एरिया में, ओपन स्पेस में। तो इसकी जो फिर अपडेट होगी इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।